हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती बोरवा। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है नीट रिज़ल्ट को लेकर। आपका नीट का रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, साथ ही में आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कब रिलीज़ होगी और कितने आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, ये पूरा एक ही वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं नीट 2021 रिज़ल्ट डेट। तो दोस्तों, सभी को, मुझे भी यही लग रहा था कि नीट का रिज़ल्ट 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर तक अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन ये देखिए न्यूज़ में साफ साफ लिखा है नीट रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड बाय लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब अब ये 24 अक्टूबर तक रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर तक आपका जो रिज़ल्ट आएगा neet.nta.nic.in पर। इसके बाद आगे और न्यूज़ देख लेते हैं कि कितने आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। नीट रिज़ल्ट 2021 डेट हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड बाय NTA। बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इट इज़ लाइकली डेट द नीट रिज़ल्ट वुड बी रिलीज्ड बाय एंड ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें जो है आया है और अपडेट। नीट 2021 रिज़ल्ट तो आपका एंड में आएगा अक्टूबर के, और इसमें आपको बता दूँ 16 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और जो ऑब्जेक्शन आपने क्रिएट किया है आंसर की को लेकर, तो अब आपको उसमें ये जानने की इच्छा है कि कितने बोनस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो NTA वुड सून बी रिलीजिंग द रिज़ल्ट ऑफ नीट एंड प्रोविजनल आंसर की जो रिलीज़ की थी उसके लिए अब फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाएगी। नीट 2021 रिज़ल्ट जब साथ ही में दोनों चीज़ रिलीज़ की जाएगी, ये नहीं है कि फ़ाइनल आंसर की पहले रिलीज़ कर दी जाए। इसमें साफ साफ लिखा है रिज़ल्ट फाइनल आंसर की एक साथ आएगा। विद द प्रोसेस नाउ कम्प्लीट, NTA एक्सपर्ट ग्रुप वुड गो थ्रू द ऑब्जेक्शन रेज्ड एंड प्रिपेयर द फाइनल आंसर की बेस्ड ऑन द नीट 2021 फाइनल आंसर की। दस प्रिपेयर द रिजल्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल एग्जामिनेशन वुड बी रिलीज्ड एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट्स। नीट 2021 रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। चेंक्ड जो आपका जो ऑब्जेक्शन आपने किया उसमें मान के चलिए, अगर आपने 3 या क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया है तो आपको एक क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का बोनस मार्क्स मिल सकता है, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाएगी। भी आपको इसके पहले भी 24 अक्टूबर को रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू, और आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।